स्वागत है भाई आप सभी का एक और नई वीडियो में और एक नए शहर में। मैं हूँ इस वक्त पाकिस्तान बॉर्डर और इंडिया पाकिस्तान बॉर्डर से कोई 100-200 किलोमीटर इस साइड लास्ट शहर है ये राजस्थान का, और उससे आगे फिर वही छोटे मोटे गांव और छोटे मोटे कस्बे हैं। मेजर सिटी तो यही है, इसका नाम वैसे तो ये फेमस है अपने इस चीज़ के लिए। यहाँ पर आपको कुछ भी मतलब कोई और कलर नहीं दिखेगा, बिल्कुल येलो गोल्डन। और इस शहर का नाम है जैसलमेर। मैं हूँ इस वक्त जैसलमेर में और इसको गोल्डन सिटी के नाम से भी जानते हैं, काफ़ी फेमस है ये। अभी जाने लग रहा हूँ मैं जो इंडिया का और वर्ल्ड का इकलौता जो लिविंग फोर्ट है, यानी कि फोर्ट। वैसे तो आपने राजस्थान कभी आए होगे तो देखा होगा कि यहाँ पे जो महल हैं और जो फोर्ट हैं वो बंद है। मतलब बंद का मतलब ये है कि वहाँ पे लोग नहीं रहते, वैसे टूरिज्म के लिए ओपन है, लेकिन यहाँ पे जो महल है ना जैसलमेर में, यहाँ पे लोग भी रहते हैं और टूरिज्म के लिए भी ओपन है, और इसलिए इसको बोलते हैं द ओनली लिविंग फोर्ट इन वर्ल्ड जैसलमेर का। तो अभी वहीं पर जाने लग रहा हूँ, पहले कुछ खाऊँ पीऊँगा फिर आपको वहाँ पर ले कर चलूँगा। क्या मजाल कोई और कलर दिख जाए, पूरा गोल्डन ही गोल्डन। और इसका खास बात इसलिए क्योंकि यहाँ पे नेचुरली येलो सैंडस्टोन पाया जाता है। पूरा जो किला है ना वो भी येलो सैंडस्टोन से ही बना, और पूरा शहर येलो सैंडस्टोन से ही। यहाँ पे आसपास जितनी भी ईंटें तो है ही नहीं, पूरा येलो सैंडस्टोन ही है। जितने घर देखो सारे येलो सैंडस्टोन से बने हुए हैं। जब तक फोर्ट पहुँचू तब तक आपको ना जैसलमेर की थोड़ी सी हिस्ट्री बता देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे जाने के बाद तो भीड़ इतनी होगी। कल मैंने एक बंदे से बात की तो उसने मेरे को एक स्टेटस दिखाया था, उसमें उस बता रहा था कि बहुत ज़्यादा भीड़ है इस टाइम पे, पीक सीज़न है ये जैसलमेर और राजस्थान में। इतने गुजराती आ रखे हैं ना भाई साहब, मैं बता नहीं सकता। जहाँ पर मैं रुका हुआ हूँ ना वो धर्मशाला फुल है गुजरातियों की, और वेट कर रहे हैं कब ये खाली होगी, कब दूसरी में दूसरी चेक इन करेंगे। हिस्ट्री बता देता हूँ। एक तो यार वहाँ पे जाके अलग भीड़ है, यहाँ पे ये पोपो वाले नहीं टिकने दे रहे। जैसलमेर बसादा रावल जैसवाल नाम के जो राजा थे उन्होंने 1156 एडी में, और मेर शब्द लिया गया संस्कृत से, इसका नाम है ए प्रोमिनेंट प्लेस ऑन द पीक, जो एक ऊंचे पे बनता है। मतलब ऊंचे स्थान पर कोई चीज़ बनाते हैं तो उसको मेरू या मेर बोलते हैं। और एक टाइम के बाद जब डायनेस्टी ख़त्म हुई तो उसके बाद राजा ने इस फोर्ट को अपनी प्रजा के लिए ही रहने के लिए छोड़ दिया कि तुम रह लो भाई इसमें, और उसके बाद सारी प्रजा इसी के अंदर रहने लगी, तो इसलिए इसको लिविंग फोर्ट बोलते हैं। जैसलमेर वैसे तो भाटी डायनेस्टी के अंडर में आता है, और उस टाइम पे जब जैसलमेर एक पूरा मतलब राज्य था तो ये अफगानिस्तान में गजनी और पाकिस्तान में आज के दिन जो सियालकोट रावलपिंडी और लाहौर है ना वहाँ तक फैला हुआ है, और इधर राजस्थान में हनुमानगढ़ और इस साइड भी फैला हुआ था। काफ़ी बड़ा एम्पायर था भाटी डायनेस्टी का, भाटी राठौड़ मारवाड़ अलग अलग डायनेस्टीज़ हैं। बाकी अभी चल के देखेंगे कितनी भीड़ है, कल तो बहुत ज़्यादा भीड़ बता रहे थे, उधर काफ़ी दूर है, 1 किलोमीटर है, पैदल ही जाऊँगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर भी हो जाएगा इसी बहाने, शहर को देख लूँगा। ये जो अभी आप फोर्ट देख रहे हो ना ये पूरा ट्रायंगल शेप में है लगभग, और यहाँ से आगे जाके रास्ता है इसका। कोशिश करूँगा यहाँ पे आपको एक बार इसके बारे में थोड़ा बता दूँ। रोड साइड पे तो पूरी और हमने ना परेशान कर दिया, मैं वीडियो एंगेजिंग भी नहीं पड़ती फिर उस हिसाब से, ऑडियंस छोड़ के भाग जाती है, मज़ा नहीं आ रहा। पूरे राजस्थान में जो शहर ट्रेड रूट के अंडर में आते थे, जैसे बीकानेर भी आता था, जैसलमेर भी आता था, और भी बहुत सारे शहर थे जो ट्रेड रूट में आते थे जिससे मिडल ईस्ट और पर्शिया कनेक्ट होता था, लेकिन आज के दिन सारा ट्रेड शिफ्ट हो गया
पोर्ट्स पर, और ये काम हुआ था ब्रिटिशर्स के आने के बाद। उससे पहले लोग इधर से ही आते जाते थे। तो ये जो शहर थे ना, ये काफ़ी वेल्थ क्रिएट करी उन्होंने, इन शहरों ने उस टाइम पर। और आज के दिन तो इनका डाउनफॉल है, सारा टूरिज्म पर के ऊपर ही बेस्ड है सारा, नहीं तो यहाँ कोई नहीं आएगा। अगर ये फोर्ट वगैरह ना हो और ऐसा कुछ देखने का ना हो तो यहाँ पे कोई नहीं आएगा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि यहाँ से ट्रेड शिफ्ट होने का सबसे बड़ा कारण ये था कि लोग समुंदर के जरिए ट्रेड करना शुरू कर दिया था, और उसके बाद वहाँ से कन्वीनियंट भी हो गया था, जल्दी भी हो जाता था ट्रेड रूट से। इधर से लोग पैदल घोड़ों खच्चरों पे लेके जाते थे सामान को, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता था उधर दूर तक। और शिप्स आने के बाद, ब्रिटिशर्स आने के बाद, ये जो ट्रेड सारा मुंबई और उस साइड सूरत साइड शिफ्ट होता चला गया, और यहाँ का जो एरिया है वो बिल्कुल वीरान पड़ गया। फिर बाद में जब ब्रिटिशर गए, इंडिया वालों ने थोड़ा बहुत सोचा कि टूरिज़्म को बढ़ावा दिया जाए, तो फिर बाद में रेनोवेट किया है सारा इधर का इलाका, फोर्ट्स वगैरह को दोबारा से एस्टेब्लिश किया, पूरा मेंटेन किया है। और बाकी अपना राजस्थान में अपनी हर एक जगह की हिस्टोरिकल वैल्यू है, लोग यहाँ पे आते हैं, देखते हैं फोर्ट्स को और अलग अलग डायनेस्टीज़ के बारे में जानते हैं। और जैसलमेर ना बिल्कुल रेगिस्तान में है, यूँ मान लो आप पूरा बीच में है, हार्ट ऑफ थार डेजर्ट है बिल्कुल ये। और यहाँ पे नॉर्मली टेम्परेचर 50 डिग्री के आसपास रहता है, लेकिन सर्दियों में यहाँ पे लोवेस्ट टेम्परेचर आप सोच के देखो कितना हो गया होगा, -6 डिग्री लोवेस्ट टेम्परेचर यहाँ पे रिकॉर्ड किया गया है, -6 डिग्री मायने रखता है इतने बड़े रेगिस्तान में और इतना लो टेम्परेचर रिकॉर्ड होना। बाकी धूप यहाँ पे बहुत तीखी है, अभी टाइम भी यूँ मान लो 9 भी नहीं बजे हैं और इतनी तेज़ धूप है। मैं सुबह सुबह आ गया हूँ इधर घूमने के लिए, पूरा शहर जल्दी उठ जाता, पूरा खचाखच भर रहे हैं रोड जमा। और इधर ये पीछे पार्क है, मैं इधर आ गया थोड़ी बहुत आपको समझाने के लिए, नहीं बाकी रोड पे तो भाई हॉर्न वालों ने सिर में दर्द कर दिया। अगर रिलीजन की बात करूँ ना, तो यहाँ पे रिलीजन में मोस्टली हिंदू हैं 89% के आसपास, बाकी 8-9% मुस्लिम है, और फिर आधा आधा परसेंट यूँ करके सारे हैं, क्रिश्चियन भी हैं यहाँ पे, जैनिज्म भी हैं और बुद्धिज़्म भी हैं, हर तरह का रिलीजन यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। आप यूँ मत मानना कि राजस्थान में पूरा रेगिस्तान ही है, राजस्थान के दो पार्ट हैं, एक जो वेस्ट ईस्टर्न राजस्थान जो अरावली से उस साइड रह गया, और एक है अरावली रेंज से इस साइड का। इस साइड का तो पूरा का पूरा है जो पूरा रेगिस्तान ही है, मतलब बैरन लैंड्स हैं, और यहाँ पे खेती भी होती है, खेती मोस्टली मूंगफली और जीरा यहाँ पे बहुत होता है, बहुत ज़्यादा जीरा होता है इधर, और भी एक दो चीज़ की खेती और होती होगी। बाकी राजस्थान मोस्टली टूरिज़्म के ऊपर डिपेंड करता है अपनी इकोनॉमी का, अगर देखा जाए तो राजस्थान में होटल्स, ढाबे, गेस्ट हाउस भर भर के हैं, लेकिन मेरे को तो मिला ही नहीं कल रात को, मुश्किल से एक गद्दा एडजस्ट करवाया था। मैंने स्टेटस भी लगाया था इंस्टाग्राम पे कि भाई 2 घंटे सर्च ऑपरेशन चलाने के बाद मुझे मुश्किल से एक गद्दा एडजस्ट हुआ किसी धर्मशाला में। और होटल्स बहुत ज़्यादा महंगे थे, बहुत ही ज़्यादा, मैं 3-4 होटल्स में गया, पूछा भी कि सिंगल बेडरूम मतलब मिलेगा या नहीं मिलेगा, मिल रहा था वहाँ पे एक रात का 10-10 हज़ार 8-8 हज़ार रुपये का बोल रहे थे, सिंपल होटल, कोई 3-5 स्टार कुछ नहीं, सिंपल होटल में भी मुश्किल से धर्मशाला में एक गद्दा एडजस्ट करवाया। जैसलमेर में वैसे तो बहुत सारी जगह हैं देखने की, जैसे जैसलमेर फोर्ट हो गया, गड्डीसर लेक होगी और बड़ा बाग हो गया, मेजर यही चीज़ें हैं। बाकी जैसलमेर से आपको बाहर जाना पड़ेगा, सैम डेजर्ट है उधर, लोंगेवाड़ा है, तनोट माता मंदिर है उधर की तरफ। मैं सोच तो रहा हूँ यहाँ से एक बार ये जो फोर्ट है ये देख के, गड्डीसर लेक देख के, इस वीडियो को यहीं पे पॉज करके कल जाते वक्त सोच रहा हूँ कि बाइक रेंट कर लूँ, सीधा जाऊँ मैं लोंगेवाड़ा तनोट माता, और फिर उधर से सर्कल पूरा घूम के सैम डेजर्ट की तरफ आऊँ। और इस वीडियो में फिर आगे जो बड़ा बाग है वो लोंगेवाड़ा की तरफ जाते हुए रास्ते में पड़ता है, तो वहीं से कंटिन्यू करूँ। आज का यही रहेगा, मेरे को भाई कैप पहननी पड़ेगी, बहुत ज़्यादा तेज़ धूप है, आँख भी नहीं खुल रही मेरी। तो यहाँ से जाऊँगा बाइक रेंट करने की कोशिश करूँगा इधर से ही, इधर बाइक रेंटल मिल जाती हैं, देखा मैंने यूट्यूब पे, मैं भी वीडियो बनाऊँगा कि कैसे बाइक रेंट कर सकते हो इधर जैसलमेर में आके।
तो अभी चलता हूँ, ये इधर ही है पीछे से जस्ट इस साइड, तो वहाँ पे मिलते हैं आपको, देखते हैं कितनी भीड़ है, कितना पीक सीजन है इसका। फर्स्ट लुक ऑफ दिस फोर्ट, मैं उधर ब्रेकफास्ट कर रहा था और एक गुजराती फैमिली बैठी थी, वो भी ब्रेकफास्ट करी थी साथ में, जब जलेबी खा रहा था, आपने पिछली क्लिप देखी भी होगी वीडियो में, तो मैं उसे वैसे ही पूछने लग गया कि आप इतना घूमते हो गुजरात में, ज़्यादा ट्रैवल का कल्चर इधर हरियाणा में नहीं है। वो बंदा पता क्या बोला, ये बोला कि तुम्हें घूमने की ज़रूरत ही क्या है हरियाणा वालों को, वैसे तुम्हारे खेत हैं, देख लो इतना पैसा है इनके पास फिर भी इनको खेत चाहिए, खेती करनी है इनको। और ये बोल रहा था तुम्हारे पास तो भाई बहुत मतलब पानी है, खेत है, खुद का अनाज है, ऑर्गेनिक है, सब कुछ है, इतना अच्छा खाते हो तुम, इनको फिर भी खेत चाहिए इनके पास इतना पैसा होने के बाद भी। ये गाड़िया वाले हैं ना, इन टूरिस्ट प्लेसों की ऐसी तैसी कर देते हैं। ये इधर पूरा फोर्ट है और इधर सामने जाम लगा रखा है, पूरा दिमाग ख़राब कर देंगे यार ये भाई। इधर गाड़ी मत लेके आ रहे टूरिस्ट प्लेसेस के ऊपर, एक तो इधर पार्किंग नहीं होती और ऊपर से तुम इधर गाड़ी लेके आ जाते हो। सही बोल रहा था, भीड़ तो बहुत ज़्यादा है यार, देखियो। अरे यार इस टाइम पे मत आइए भाई, कोई भी भीड़ बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा भीड़ है, बहुत ज़्यादा। मैग्नेट ले लिया भाई हर बार की तरह एज ए ट्रैवलर। गुजराती, मैं उधर मैग्नेट ले रहा था, उस अंकल से बात कर रहा था, तो गुजराती जो थे वो दिवाली के बाद आते हैं और बंगाली नवरात्रि के बाद, ये टाइम है। और जो फॉरेनर्स हैं अभी सफारी के लिए नहीं, रुको करो, जो फॉरेनर्स हैं अभी मोस्टली हॉलीडे के हिसाब से फ्रेंच और स्पेनिश लोग आ रहे हैं, बाकी ऑस्ट्रेलियंस भी आते हैं जब वहाँ पे सर्दियाँ स्टार्ट हो जाती हैं या फिर गर्मियाँ स्टार्ट हो जाती हैं उस टाइम, बाकी ये पूरा लिविंग फोर्ट है यार। फ्रिज मैग्नेट तो भर भर के हैं इधर, Thank you.
जैन टेंपल। मैं अंदर नहीं जाऊंगा क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा फीस है, 250-300 रुपए, कोई फ़ायदा नहीं देने का मंदिरों में सिर्फ फीस के लिए, और अलग से 50 रुपए कैमरे के लिए। अंदर कुछ है भी नहीं ऐसा दिखाने का, बाहर से आर्किटेक्चर अच्छा है, बाहर से फ़ोटो खिंचवा लो और वापस मुड़ जाओ। पूरा बड़ा फोर्ट है, पूरा लिविंग है यहाँ पे। Then I will go to, first I will go to Sri Lanka, yeah. Nepal, Bhutan, Bangladesh, Myanmar, I will try. Yeah. When I will come to Paris, yeah. It's my dream city. It's very beautiful city, very romantic city. Romantic city, yeah. Because all the city is a museum, because architecture is very nice, you can see the all the city is very beautiful, and you can see Eiffel Tower. Yeah. No. Where do you live in France? I live in a small city. It's like the name is Limoges. So Limoges. It's very small city. Okay. And, but in France you have a lot of big city like Bordeaux, Toulouse, and it's a good city. For you it's maybe interesting. Yeah. Whenever I will come to France, I will message you. Yeah. We will contact and travel. Yeah, it's great. You can talk. It's a language barrier. Yeah. You won't talk, but you can. So yes. This is very good for meet people and understand the culture, learning a lot of stuff. Yeah. ट्रैवलिंग के फ़ायदे हैं भाई, ये फ्रेंच फ्रेंच दोस्त बन गया मेरा। फ्रेंच मैक्सिम नाम है इसका, ये फ्रांस। विच सिटी? लिमोज, स्मॉल सिटी। लिमोज देख के बताऊंगा भाई बाद में। आई मेड अ फ्रेंच फ्रेंड हियर इन जैसलमेर। अभी साथ में घूमें, इसके साथ प्लान बनाया कि स्कूटी रेंट करेंगे और जैसलमेर को घूमेंगे साथ में, बड़ा बाग और जो वो क्या नाम गढ़ीसर लेक है। पूरा लिविंग फोर्ट है, इधर घर हैं, सभी ने अपना अपना बना रखा है। किसी ने गेस्ट हाउस बना रखा है, किसी ने होटल बना रखा है, किसी ने दुकान खोल रखी है। इट्स अ वेरी नाइस प्लेस। ये देखो ये घर है भाई इधर, और पीछे पूरी मार्केट थी। यू कैन सी Old Jaisalmer behind me. पूरा जैसलमेर दिखता भाई इधर से। ये देखो ये घर हैं भाई इधर छोटे छोटे, पहले उधर महल था, इधर ये घर हैं छोटे छोटे। इधर राजा ने इनको दे दिए ये रहने के लिए अपनी प्रजा को, इसलिए इसको लिविंग फोर्ट बोलते हैं जैसलमेर वाले को। और कैसा, और कहीं भी आपको पूरे राजस्थान में ऐसा फोर्ट नहीं दिखेगा जैसा इधर जैसलमेर में। सिटी व्यू दिस इज द कैनन पॉइंट। अलग अलग पॉइंट्स हैं इस महल में, वैसे तो पूरा लिविंग है। इधर नीचे घर है, देखो गाय कहाँ पे फंसी हुई है या फिर रोक के रखी है मुझे नहीं पता।
ये इधर कैनन है, भीड़ इतनी लगी हुई ना भाई, बहुत ज़्यादा भीड़ है। जो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं करता ना, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, विशाल अंडरस्कोर अलावत 22। और क्या फोटो आए हैं भाई साहब, मज़ा आ गया। 120 रुपये तो लगे उस रेस्टोरेंट में बैठने के, जो फोटो आए ना मज़ा आ गया मज़ा। और ये भीड़ देख लो भाई, गुजरातियों ने ना पूरा छड़दम तार दिया, इन्हें तो पूरा कोरम मचा रखे हैं यहाँ पर। You can, we can see the other side. Other side. मैक्सिम फैन हो गया भाई मेरा। यू नो हिंदी? जस्ट नमस्ते। जस्ट नमस्ते, नमस्ते के अलावा कुछ नहीं आता भाई को। चलो देखते हैं, अभी ये फोर्ट कंप्लीट करके गड़ियार सर लेक की तरफ जाएंगे, उधर से उधर फिर उसकी अलग कहानी है, वो भी मैं आपको वहीं चल के बताऊंगा। अभी फोर्ट को घूमो, फोर्ट देखो आप। आई थिंक कहीं तो आपको यहाँ पे दुकानें मिलेंगी, कहीं घर मिलेंगे, कहीं कैफे मिलेंगे, कहीं व्यू पॉइंट मिलेगा, कहीं कुछ। पूरा शहर मान लो, पूरा शहर ही है बसा हुआ है इस पैलेस के अंदर। ये देखो इधर कैफे हैं रूफ टॉप पे, व्यू पॉइंट्स हैं इधर, और घर भी हैं साथ में। होते हैं
Gunda Raja leave this place. He said अब जा रहा हूँ गड़ीसर लेक की तरफ और वहाँ पे मिलूँगा आपको सीधा। फोर्ट हो गया कंप्लीट। लंच किया था भाई यहाँ पे और ये पीछे कुछ ऐसा नज़ारा है इधर। और अभी जा रहा हूँ मैं गड़ियारसर लेक, वो सामने है इधर इस साइड। थोड़ा सा चल के जाना पड़ेगा, लगभग 1 किलोमीटर है, तो वहाँ चल के मिलता हूँ मैं और दिखाता हूँ गड़ियारसर लेक। फिर उसके बाद बड़ा बाग हो सकता है कल ही चला जाऊँ लौंगेवाड़ा जाते टाइम। इफ यू सी दिस पीपल अराउंड एनीवेयर इन इंडिया आई कैन रिकॉग्नाइज यू आर फ्रॉम राजस्थान। ओके, इफ यू आर फ्रॉम लखनऊ व्हाट इज लाइक फॉर यू, इफ यू गो टू पेरिस दे विल टेल पेरिस पीपल। गड़ियारसर लेक व्यू, यहाँ से बोट राइड होती है। कितने की है भाई बोट है? उधर है क्या? यू वॉन्ट टू राइड बोट? लेट मी आस्क। कौन सा है? 12 ब्लैक। 12 ब्लैक GoPro भी आता है ना? हाँ ये लेटेस्ट है 12 ब्लैक, अभी लॉन्च हुआ है 1.5 महीने पहले। आप कहाँ से? गुजरात से क्या? अहमदाबाद से। यहाँ पे कुछ खास तो है नहीं करने का, पर बोटिंग कर सकते हो आप। बोटिंग मेरा मन है नहीं करने का, 300 रुपये कौन देगा बोटिंग के। और बाकी मछली हैं इधर, दिख भी रही होंगी, खाना खिला रहे हैं इनको। शाम का नज़ारा अच्छा है, शाम को देखते हैं इधर आने की, लाइट्स वगैरह ऑन हो जाएंगी उसके बाद। खूबसूरत है, बाकी यही टाइम है, सर्दियों में आगे कर सकते नहीं, तो यहाँ पे धूप बहुत ज़्यादा तेज है। और ये यहाँ पे मछलियों को खिला रहे हैं खाना। मछली बनी खाने दे रहा।
भाई घूमते घूमते मैं पहुंच गया पटवाओं की हवेली जैसलमेर। काफ़ी सुंदर है, काफ़ी सुंदर है, पहले से भी ज़्यादा सुंदर है। और अभी दिखाता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे घर हैं और दुकानें हैं, और नीचे दुकानें घर हैं और ऊपर ही हवेली है। कितनी खूबसूरत है। उधर जो रामपुरिया हवेली थी बीकानेर में, वो भी एक बीडीसी गली में थी, और ये जो पटवाओं की हवेली ये भी बीडीसी गली में है। ये देखो पूरा। अभी मैं जाने लग रहा हूँ बाइक रेंट करके बड़ा बाग, तो इस वीडियो को मैं रखूँगा जैसलमेर वाड़ी में, और उसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो होगी लोंगेवाड़ा की, और वहाँ से बाइक पे लोंगेवाड़ा, देन फिर सैम डेजर्ट। और तो देखते रहना पूरी वीडियो, और बड़ा बाग के बाद मैं इस वीडियो कर दूँगा ख़त्म और अगली वीडियो करूँगा शुरू। If you want yeah. go, you give money to him. Yeah. Oh, okay. ये देख लो भाई, दूर से देख लो, ये बड़ा बाग इधर पूरा एरिया, ये बड़ा 800 साल पुराना है, ये एक सेनोटेप है, किसी पुरानी फैमिली ने बनाया था अपने लिए। और उधर विंड मिल्स हैं उसके पीछे, और इधर भी हैं विंड मिल्स, तो बहुत सारी हैं। दिस इज़ द लास्ट थिंग इन जैसलमेर। और अभी यहाँ से निकलते हैं सीधा लोंगेवाड़ा के लिए, बाइक हमने रेंट कर रखी है। धूप इतनी तेज़ है ना मेरे को, तो टोपी पहनना सब बंधना पड़ेगा। सुबह के 7 बजे हैं और बहुत ज़्यादा धूप है। इधर बड़ा बाग में कुछ नहीं है देखने का, मतलब दूर से ही अच्छा लगता है ऐसी चीज़ें। ये अपनी बाइक खड़ी उधर। जैसलमेर वाले वीडियो को करता हूँ यहीं ख़त्म। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब भाई कर लेना, ठीक है। चलो लोंगेवाड़ा बॉर्डर पे मिलते हैं आपसे।